हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोपाल स्टडी स्टूडियो में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं सीएनसी में यूज होने वाले दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स और साथ ही में जी कोड्स। तो यहाँ पे हम आज बात करेंगे G28 एंड G30 कोड्स का, जो कि होता है फर्स्ट एंड सेकेंड रेफरेंसिंग के लिए। तो दोस्तों, होता क्या है, सीएनसी मशीन्स में नॉर्मली आपको पहला रेफरेंस करना पड़ता है और कई बार सेकंड, थर्ड और फोर्थ रेफरेंस पोजीशन भी बनानी होती है, और उसमें कई बार आपको फिर मूवमेंट भी कराने होते हैं एक्सेस के उस जगह के लिए। तो यहाँ पे अगर इन जी कोड का आप यूज करेंगे तो आप आसानी से उस पोजीशन को रीच कर सकते हैं, आपको मैनुअली वहां पे ले जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस जी कोड का यूज करेंगे तो एक्सेस ऑटोमेटिकली वो रेफरेंस पोजीशन पे चले जाएगी अकॉर्डिंग टू जो भी आप जी कोड में डाल रहे हैं। अब मैं बात करूं सबसे पहले G28 कोड की। तो दोस्तों, G28 कोड जो होता है वो फर्स्ट रेफरेंसिंग या फिर उसको रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं मशीन का। जैसे कि आप जब भी आप रेफरेंस करते हैं, अगर मैं पैरामीटर अगर मैं फानुक की बात करूं तो फानुक में एक पैरामीटर रहता है 1815। तो 1815 में आप जो APZ वैल्यू जब वन करते हैं तो वहां पे उसी पोजिशन पे आपकी एक्सिस रेफरेंस हो जाती है, चाहे वो एक्स हो, वाई हो या जेड हो। जिस भी एक्सिस का आप 1815 में वैल्यू सपोज वहां पे वन करेंगे, अगर वो जीरो है तो वो वहीं पे रेफरेंस हो जाती है। तो रेफरेंस अगर पॉइंट आपने डिसाइड कर लिया है, अब क्या होता है, हमें एक्सिस को रेफरेंस पॉइंट पे ले जाना होता है। जैसे कि सपोज ये जो एक्सिस है मेरी, अभी स्पिंडल है, स्पिंडल मेरा होम पोजिशन पे जाने के लिए नॉर्मली ये तीनों एक्सिस को होम पोजीशन करता है। सपोज ये मेरा HMC मशीन है तो ये जेड एक्सिस है, ऊपर को वाई एक्सिस है, और इधर अगर सामने की बात करूं तो एक्स एक्सिस है। तो जैसे ही हम G28 कमांड देंगे और उसके साथ एक्स जीरो, वाई जीरो, जेड जीरो साथ में अगर एंटर करेंगे तो एक्सिस जो होगी वो ऑटोमेटिकली रेफरेंस पॉइंट पे चला जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली बात यह है कि देखिए, यहाँ पे G28 जैसे कि अभी मेरा सपोज यहाँ पे टूल अभी अंदर डेप्थ में है, ये कुछ कंपोनेंट में मशीनिंग कर रहा हुआ है सपोज, और यहाँ से अगर आपने G28 कमांड देते हैं तो यहाँ से थोड़ा आपको केयरफुली कमांड देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इस पॉइंट पे अगर आप सपोज G28 डालते हैं, इसके आगे आप G0, G91 का भी यूज कर सकते हैं, उसके साथ अगर आपने X0, Y0 और Z0 सपोज आपने डाला, EOB इंसर्ट करा और आपने साइकिल स्टार्ट का बटन दबाया, तो क्या होगा, अगर आपने तीनों ये एक साथ डाले हुए हैं तो होगा क्या, एक्सिस साइमल्टेनियसली तीनों एक्सिस में मूव करेगी, मतलब कि XB, YB और ZB तीनों ही साथ में मूवमेंट करेंगे। तो इस कंडीशन में ये हो सकता है कि जैसे सपोज आपको ये पोजीशन पर दिख रहा होगा, टूल को सबसे पहले जेड में लेना इंपॉर्टेंट है। अगर ये ऊपर को लेना, मतलब कि सपोज मैं ऊपर की एक्सिस मान रहा हूँ जेड, तो जेड में लेना इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज क्या होगा कि सपोज जेड में अगर ये पूरा मूव नहीं किया और एक्स या वाई में मूव कर गया तो यहाँ पे जो टूल होगा वो डैश हो जाएगा और मशीन एक्सीडेंट होने के चांस है। तो आपको G28 जब भी कमांड आप यूज कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि अगर आपको पहले कोई पर्टिकुलर एक्सिस को लेके जाना है जिससे कि मशीन डैश या एक्सीडेंट होने से बचे, तो सबसे पहले आप इस तरीके से कमांड दे सकते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूं, सपोज इस कंडीशन के लिए मैं बात करूं तो हम पहले देंगे G0, G91, G28। सबसे पहले मैं सपोज Z0 देता हूं, तो Z0 देने के बाद ये पहले सबसे Z0 मतलब ये जो भी इसका रेफरेंस हमने जेड का करा हुआ है वहां पे जाएगी, और उसके बाद ये G0, G91, G28, उसके बाद X0 या Y0 जो भी हमें देना है हम उसके बाद दे सकते हैं। तो ये अलग अलग देंगे तो सबसे पहले जो हमारा होगा ये वाला प्रोग्राम कंप्लीट होगा, वो जेड पे सेफली चला जाएगा टूल, और उसके बाद एक्स और वाई में वो अपनी होम पोजिशन पे जाएगा। तो इस तरीके से हम ये जो एक्सीडेंट है या जो भी क्लैश का कोई भी चांस है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं दूसरा कोड जो है G30। अब यहाँ पे G30 है सेकंड रेफरेंस पोजीशन। होता क्या है, फर्स्ट रेफरेंस होम के साथ साथ हमें कुछ और भी रेफरेंस पोजीशन बनानी होती है मशीन के अंदर। जैसे कि मैं बात करूं, अगर VMC की बात करूं तो VMC में टूल चेंज पोजीशन जो होती है नॉर्मली
टूल चेंज पोजीशन हमारी जो सेकंड रेफरेंस पोजीशन होती है, अगर मैं एचएमसी की बात करूं तो एचएमसी में टूल चेंज पोजीशन के साथ साथ पैलेट चेंज पोजीशन भी ये सेकंड रेफरेंसिंग पोजीशन में डाली जाती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टूल चेंज पोजीशन बीएमसी में हो रहा है, तो वहां पे नॉर्मली जेड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जेड के अकॉर्डिंगली वहां पे जेड ऊपर नीचे होने में टूल पोजीशन डिस्टर्ब हो सकती है। तो जो टूल चेंज नॉर्मली डिपेंड होता है वो जेड एक्सिस पे डिपेंड होता है वीएमसी के केस में। वहां पे एक्स वाई की वैल्यू भी हम डाल सकते हैं, अगर सपोज वहां पे कहीं पे अगर टूल चेंज के दौरान अगर एक्स और वाई का ऐसा पोजीशन है कि जहां पे आर्म हिट हो सकती है, टूल हिट हो सकता है, तो वो वैल्यू भी वहां पे डाल सकते हैं एक्स वाई की। दूसरा जो है, अगर एचएमसी की बात करूं तो एचएमसी में टूल चेंज के साथ साथ पैलेट चेंज भी इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हम सेकंड रेफरेंस पोजीशन में डालते हैं। तो टूल चेंज में तो जैसे कि मैंने बताया कि एटीसी आर्म के अकॉर्डिंगली जहां पे भी वो सही से अलाइन हो रही है टूल के साथ, तो वो एक्स और वाई की पोजीशन हम वहां पे सेकंड डिफरेंस पोजीशन में डालते हैं। तो सेकंड डिफरेंस डालने के लिए जो पैरामीटर होता है वो 1241 पैरामीटर होता है। अगर मैं फानुक की बात करूं तो 1241 पैरामीटर होता है। यहाँ पे आपको एक्स वाई जेड ये ऐसे करके दिखाई देगा, तो यहाँ पे आपको वैल्यू डालनी होती है। सपोज आपका जो टूल चेंज है वो एक्स की 20 mm पोजीशन पे, वाई की 10 mm पोजीशन और जेड की 0 पे होता है, तो आप इस तरीके से 1241 में वैल्यू डालेंगे। अगर मैं एचएमसी की बात करूं दोस्तों, तो एचएमसी में भी सेम वही चीज होती है, आप एक्स वाई जेड में वैल्यू डाल सकते हैं। एक्स वाई की जो पोजीशन है वो अकॉर्डिंगली आप एटीसी जो भी आपको रिक्वायर्ड पोजीशन है टूल चेंज होने के लिए वो आप डाल सकते हैं यहाँ पे। और जेड की जो पोजीशन होती है जहाँ पे पैलेट जो लिफ्टिंग आर्म है पैलेट को रोटेट करके अच्छे से रख सके, तो वो पोजीशन हम जेड की डालते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो पैलेट होते हैं नॉर्मली जहाँ पे पैलेट चेंजर हमारी मशीन होती है, एचएमसी या कोई भी और मशीन हो, तो वहां पे पैलेट की सीटिंग होना जरूरी है। और यहाँ पे जो आर्म होती है ये आर्म पैलेट को लिफ्ट करती है, तो यहाँ पे पिंस होती है, तो वो पिंस पर्टिकुलर इस पोजीशन में जानी चाहिए जो पैलेट की पोजीशन है, तो उसके लिए हम जेड एक्सिस की पोजीशन बनाते हैं। तो वो जहां पे भी चेंज होनी है उसको हम 1241 में जेड में उस वैल्यू को डालते हैं जहां पे भी वो अच्छे से लिफ्ट कर सके। तो अब मैं अगर पूरी तरीके से आपको बताऊं पैरामीटर में, तो पैरामीटर दोस्तों इसके लिए होते हैं, जैसे 1240 की बात करूं तो ये फर्स्ट रेफरेंसिंग पोजीशन का पैरामीटर है। यहाँ पे अगर आपका सपोज जो रेफरेंस आपने मारा हुआ एक्सिस को एक्स वाई जेड में, वहीं पे अगर आपको फर्स्ट रेफरेंस रखना है तो ये वैल्यू जीरो रहेगी। दूसरा 1241 जो मैंने आपको समझाया अभी, जहां पे भी आपका नॉर्मली ये यूज होता है जहां पे भी टूल चेंज पोजीशन या फिर पैलेट चेंज पोजीशन के लिए, तो वहां पे एक्स वाई की जो वैल्यू है अगर वो एचएमसी है तो आप टूल चेंज के अकॉर्डिंगली और जेड की वैल्यू पैलेट चेंज के अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। तो ये सेकंड रेफरेंस हो गया। थर्ड रेफरेंस में भी कई बार आपको, जैसे थर्ड रेफरेंस की बात करो तो वहां पे लोडिंग अनलोडिंग इस तरीके की पोजीशंस बनाई जाती है। जैसे कोई मशीन में आपको पर्टिकुलर पोजीशन पे लोड करना है कंपोनेंट को, तो वहां पे एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट डाल दिए जाते हैं कि वो पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पे आके वो लोड करे कंपोनेंट को, तो वहां पे 1242 में वो कोऑर्डिनेट सेट कर सकते हैं पैरामीटर में। और 1243 भी, जैसे सपोज अनलोडिंग में बोल रहा हूँ, तो लोडिंग अनलोडिंग इस तरीके से कोई और पोजीशन भी अगर हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट है तो वहां पे उस इन पैरामीटर्स का यूज करके हम वो वैल्यू को वहां पे डाल सकते हैं। जैसे इसके लिए मैंने बताया था तो G28 कोड है फर्स्ट रेफरेंस के लिए, G30 सेकंड रेफरेंस के लिए। उसकी आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप समझे होंगे कि किस तरीके से हम G28 और G30 कोड का यूज करते हैं और पैरामीटर्स में किस तरीके से उनको सेट करते हैं। तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ कुछ और नई टेक्निकल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।